M4G न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रुति। लालकुआ के बजरी कंपनी कॉलोनी स्थित डी हल्द्वानी स्टोन क्रेशर में मशीन लगाने से नाराज ग्रामीणों ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी को लेकर आज दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भेजा। यहाँ लालकुआ के बजरी कंपनी कॉलोनी के आसपास के इलाकों के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर उक्त इलाके में लगाए जा रहे स्टोन क्रेशर मशीन का विरोध किया। साथ ही ग्रामीणों ने तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को नाम ज्ञापन भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि क्षेत्र में जबरन स्टोन क्रेशर खोलने की कार्रवाई की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस जगह स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है उसके आसपास का पूरा क्षेत्र आबादी से भरा हुआ है। ऐसे में अगर स्टोन क्रेशर लगाया जाता है तो उसके प्रदूषण से आसपास का इलाका तबाह हो जाएगा और ध्वनि और वायु प्रदूषण से क्षेत्र में गंभीर बीमारी बढ़ जाएगी, जिससे लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अब अगर स्टोन क्रेशर खोला गया तो मजबूरन कॉलोनी वासियों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर क्रेशर स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर लगाया गया तो यहां के लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने जिलाधिकारी से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जी, हमारी मांगे ये हैं कि जो अभी आबादी के बीच में दी हल्द्वानी स्टोन क्रेशर के द्वारा राम बाबू मिश्रा द्वारा जो स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है आबादी के बीच में, हम उसको नहीं लगने देना चाहते हैं। क्या समस्या है? समस्या यही है कि स्टोन क्रेशर जो चलेगा उससे जो मशीनों से जो वाइब्रेशन होगा उससे वहाँ घनी आबादी के बीच के मकान चटक जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिससे टीवी, कैंसर, दमा, आंखों के रोग ये सब पैदा होंगे। और जो ध्वनि प्रदूषण होगा उससे स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतें होंगी। जी, अगर स्टोन क्रेशर अगर नहीं हटाया जाता है तो हम इसके लिए बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। हम इसके लिए बिल्कुल धरना, भूख हड़ताल, जुलूस जो भी करना होगा करेंगे। ये घनी आबादी है बजरी कंपनी में और ये स्टोन क्रेशर लग रहा है, वहाँ लगभग 2500 जनता है और वहाँ स्टोन क्रेशर लग रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ध्वनि प्रदूषण, पॉल्यूशन, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जिससे लोग बहुत बीमार होंगे और कई लोग बीमार हैं भी, टीबी के, कैंसर के मरीज हैं भी वहाँ पे। तो आज ज्ञापन में दिया है, क्या मांग कर रहे हैं? ज्ञापन में ये है कि हम लोग ये स्टोन क्रेशर वहाँ नहीं लगना चाहिए, घनी आबादी में स्टोन क्रेशर नहीं लगना चाहिए। उसके तो 500 मीटर की दूरी पे स्टोन क्रेशर होना चाहिए और ये आबादी के बिल्कुल बीचों बीच में स्टोन क्रेशर लग रहा है। हाँ, और आगे आंदोलन करेंगे हम लोग। जी, हमारी मांगे ये हैं कि जो अभी आबादी के बीच में दी हल्द्वानी स्टोन क्रेशर के द्वारा राम बाबू मिश्रा द्वारा जो स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है आबादी के बीच में, हम उसको नहीं लगने देना चाहते हैं। क्या समस्या है? समस्या यही है कि स्टोन क्रेशर जो चलेगा उससे जो मशीनों से जो वाइब्रेशन होगा उससे वहाँ घनी आबादी के बीच के मकान चटक जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिससे टीवी, कैंसर, दमा, आंखों के रोग ये सब पैदा होंगे। और जो ध्वनि प्रदूषण होगा उससे स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतें होंगी। जी, अगर स्टोन क्रेशर अगर नहीं हटाया जाता है तो हम इसके लिए बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमें जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। हम इसके लिए बिल्कुल धरना, भूख हड़ताल, जुलूस जो भी करना होगा करेंगे। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4G न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।